नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी में विवाद बढ़ा, मुलायम के सामने लड़े शिवपाल और अखिलेश। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश और शिवपाल के बीच सुलह की मुलायम की सभी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। सपा मुखिया के कहने पर उनके भाई शिवपाल और बेटे अखिलेश ने एक दूसरे को गले लगाया। शिवपाल ने अखिलेश को जन्मदिन की बधाई भी दी, लेकिन यह सुलह समझौता थोड़ी देर तक ही कायम रहा। अखिलेश ने मंच से जब यह कहा कि एक अंग्रेजी अखबार में उनको औरंगजेब तक कहा गया, तो शिवपाल ने अपने भतीजे पर तत्काल झूठ बोलने की तोहमत मढ़ दी। खबरें तो यहाँ तक हैं कि तीखी बहस के बाद काका और भतीजे के बीच धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। मुलायम सिंह यादव ने भाषण के दौरान कई बार अखिलेश यादव और उनके समर्थकों को डांटा। यादव ने कहा कि चापलूसों से घिरे रहने वाला और आलोचना नहीं सुनने वाला कभी नेता नहीं बन सकता। बीच में टोका टोकी करने वाले अखिलेश समर्थक एक युवक को उन्होंने मंच से ही जबरदस्त फटकार लगाई। मुलायम ने कहा कि पार्टी में अब जो हो रहा है उससे मैं दुखी हूँ। 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा और देश का रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आपातकाल में हम मीसा में बंद थे, फांसी या उम्र कैद हो सकती थी। शिवपाल अंधेरी रात में आता था और खिड़की से झांक कर जाता था। मुलायम ने 2 टूक अखिलेश से कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, क्या अकेले चुनाव जीत सकते हो? लाल टोपी पहनने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता। मैं और शिवपाल कभी अलग नहीं हो सकते। पार्टी महासचिव अमर सिंह का बचाव करते हुए सपा मुखिया ने कहा कि तुमने अमर सिंह को गाली दी, अमर सिंह ने हमारी बहुत मदद की, अमर सिंह मेरा भाई है, अमर सिंह ने मुझे जेल जाने से बचाया। उन्होंने कहा कि मैं अभी कमजोर नहीं हुआ हूं, मेरे एक इशारे पर नौजवान खड़े हो सकते हैं। जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी के झगड़े की वजह राजनीतिक कम और पारिवारिक ज्यादा है। मुलायम अपनी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र को आगे लाना चाहते हैं, जो अखिलेश को मंजूर नहीं है। अखिलेश को जहां रामगोपाल यादव और आजम खान का साथ मिला हुआ है, वहीं अमर सिंह और शिवपाल यादव मुलायम के साथ पूरी ताकत से खड़े दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2 फाड़ हो जाएगी या फिर यादव कुनबे की कलह कब विराम लेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ सपा की लड़ाई से विरोधी भाजपा और बसपा की बांछें जरूर खिल गई हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी ने महोबा की परिवर्तन रैली में कहा, यूपी में एक दल को परिवार की चिंता, दूसरे को कुर्सी की, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश की चिंता है। 3 तलाक पर बोले नरेंद्र मोदी, मुस्लिम बहनों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय का आरोप, शिवपाल ने अखिलेश को मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश रची थी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की सीमा पर पुलिस की माओवादियों से मुठभेड़, 21 माओवादी मार गिराए। वनडे कप्तान धोनी ने कहा, नंबर 4 पर ज्यादा खुलकर खेलता हूँ। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।